प्रथम अध्याय के फर्स्ट लेसन के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुख्य टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र जो हमारा होता है, वैद्युत क्षेत्र तो आप सभी लोग जानते हैं, और वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी धन परीक्षण आवेश को रखा जाए तो उस पर एक प्रकार का बल लगता है। इसके आधार पर इसकी एक परिभाषा बनती है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है, परिभाषा अनुसार ई बराबर होता है एफ अपान क्यू जीरो। ई बराबर होता है एफ अपान क्यू जीरो। वही बात, मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो ये निष्पत्ति मतलब हमारा होता है अनुपात, मतलब यह अपान क्यू जीरो। तो इसके आधार पर अगर हम इसका मात्रक निकालें, तो इसका जो मात्रक है, सभी लोग आप सभी लोग जानते होंगे कि जो एफ होता है, एफ 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 है बल, और बल का मात्रक जो है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये क्यू जीरो जो है वो आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इससे इसका जो मात्रक है वो निकलता है न्यूटन प्रति कूलाम। एक चीज और, जो एफ है हमारा, ये एक प्रकार की सदिश राशि है। हम इसके बारे में डिफिनेशन भी पढ़ते हैं, तो हम उसके हर चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे एफ एक ऐसी राशि है, सदिश बल एक सदिश राशि है, और आवेश एक अदिश राशि है। तो ये मिलाकर ये बनता है, जो इस राशि की अगर हम इसकी बात करें तो यह एक ऐसी राशि बनती है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यह एक ऐसी राशि है सदिश राशि होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी बीमा, इसकी बीमा, तो जो बीमा होती है, बीमा के लिए अगर हम बात करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका मात्रक लिखते हैं, और मात्रक में न्यूटन प्रति कूलाम। आप लोगों ने बीमा में न्यूटन का जो बीमा है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, होती है MLT-2, और कूलाम की जो बीमा होती है वो होती है AT। तो इसमें अगर हम इसको सही कर दें तो इसकी टोटल जो बीमा बनती है वो ऊपर M लिखा है, तो M के लिए M रहेगा, L के लिए हमारा क्या रहेगा, L रहेगा, और T के लिए T ऊपर जाएगा, तो T के लिए हमारा T की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि T की पावर -2 ऊपर लिखा हुआ है, और T नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, टोटल -3। फिर अगर A ऊपर जाएगा तो A की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, -1। A की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, -1। तो इस तरह से इसका डिफिनीशन, इसकी मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, ये राशि कैसी है, सदिश राशि है, और ये बीमा, बीमा के लिए अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो बीमा होती है वो MLT-3A-1 होती है। फिर इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर हम आगे के डेरिवेशन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक ध्यान देने वाली बात है, आवेश जो हमारे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस क्यू, एक प्लस, और दूसरा कौन, माइनस। दूसरा कौन होता है, माइनस। तो जो प्लस आवेश होता है, इस प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी की तरफ, दूरी की तरफ कार्य करती है, और जो माइनस की तरफ जो होती है, माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसी की तरफ उसके नजदीक की तरफ कार्य करती है, और जो प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसी की तरफ, दूर की तरफ कार्य करती है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके आधार पर हम एक इसका डेरिवेशन भी ले सकते हैं, इसका प्रमुख सूत्र है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। यहां पर हम एक सूत्र निकालने जा रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसके लिए हमें सूत्र निकालना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई प्लस क्यू आवेश है, किसी बिंदु O पर कोई प्लस क्यू कूलॉम का जो आवेश है वो क्या है, स्थित है। मान लेते हैं जहां पर स्थित है उस माध्यम का जो परावर्तकांक है वो क्या है, k है। जो माध्यम है वहां का परावर्तकांक जो है वो क्या है, k है। अगर इससे हम कितनी दूरी पर ले लेते हैं, इससे हम कितनी दूरी पर r दूरी पर कोई बिंदु p ले लेते हैं, कोई बिंदु कौन ले लेते हैं, p, कितनी दूरी पर, r दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु कौन ले लेते हैं, p ले लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस क्यू और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसी उससे दूर की दिशा में कार्य करती है, और जो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसी की तरफ कार्य करती है, उसी की दिशा में उसी की तरफ कार्य करती है। तो जब दूर की दिशा में कार्य करती है तो जाहिर सी बात है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की तरफ कार्य करेगी। समझ रहे हैं बात को, इस पर हम एक धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश कौन स्थित है, Q0 स्थित है। तो अगर हम इसकी कोई थोड़ी सी भाषा लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि माना प्लस Q कूलॉम का कोई आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तकांक जो है वो क्या है, के। हम प्लस Q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी है। मान लेते हैं, आगे हम मान लेते हैं कि माना प्लस क्यू कूलॉम इस बिंदु P पर प्लस क्यू कूलॉम Q0 धन परीक्षण आवेश जो है वो स्थिर है। तब हम क्या करते हैं, तब हम ये काम करते हैं, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु काहे पर, बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल निकालते हैं। किसके नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार, किसके नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार। कूलॉम का नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपातिक तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम के नियमानुसार इनके बीच लगने वाला जो बल F होगा वो 1/4π ε0 और इसका परावर्तकांक आपने k माना है तो यहां पर हम k लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनटू Q1 और बटे बीच की दूरी अपॉन r2। अब हम इसमें एक काम करते हैं कि F बराबर हम लिखते हैं 1/4π ε0 के इंटू Q1 के लिए हम क्या मान लेते हैं कि ये पहला आवेश Q है तो इसको हम Q मान लेते हैं। Q2 के लिए हम क्या मान लेते हैं, Q0। Q2 के लिए हम क्या मान लेते हैं, Q0। और बटे 20 की दूरी अपॉन जो है वो r ही है, हमने r ही मानी है तो इसके अपॉन कितना हो जाएगा, r2। तो लगने वाला इन दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो हमें मालूम हो गया कितना, F बराबर 1/4π ε0 के इनटू Q1 बटे r2। तो अब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने तो आपको बताया कि सूत्र होता है E बराबर F/Q0। तो तब हम क्या कर सकते हैं, तब बिंदु P
पी पर हमें निकालनी है कौन सी चीज, वायतु क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु पी पर हमें निकालनी है कौन सी, वायतु क्षेत्र की तीव्रता। वायतु क्षेत्र की निकालनी है तीव्रता। तब जब बिंदु पी पर हमें निकालनी है वायतु क्षेत्र की तीव्रता, तो जब वायतु क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वायतु क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सूत्र पहले इस्तेमाल करेंगे, ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो। E बराबर हम यही सूत्र इस्तेमाल करेंगे जो हमने परिभाषा से बनाया है कि E बराबर होता है F अपान Q जीरो। तो F की वैल्यू हमने निकाल ली और धन परीक्षण आवेश में मालूम है कितना है Q जीरो, क्योंकि जो वो हमने यहाँ पर बिंदु P पर उसको रखा है। तब हम क्या करेंगे, तो E बराबर हम इस्तेमाल करेंगे, E बराबर F की वैल्यू 1 अपान 4 पाई F साइन जीरो के इनटू Q Q जीरो बटे आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा हम यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या रख सकते हैं, क्यू जीरो। अब यहां पर हमारा जो है ये क्यू जीरो और ये क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सूत्र एक मिलेगा क्या, ई बराबर वन अपान फोर पाई एफ साइन जीरो के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमें सूत्र तीव्रता। तो हमारा ये निकल कर आएगा E बराबर 1 अपान 4 पाई F साइन जीरो के इनटू Q अपान R स्क्वायर। इतना मत, धन्यवाद।